रूम में दो लोग रोमांस कर रहे थे, तभी दरवाजा पर खटखट की आवाज़ सुनाई देता है। तब ये समझ जाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तैयार होकर सामने पहुंच जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मेरे साथ चीट कर रहा था, वो लड़की कहाँ है? तो ये बोलता है कि यार कौन सी लड़की, इस रूम में तो कोई लड़की नहीं है। पर डिटेक्टिव कहता है अरे बाबू, तू तो किसी लड़की के साथ इस घर में आया है, मैं जानता हूँ। वो क्लीनर से उसका कपड़ा खींच लेता है, तो देखता है ये तो नकली कपड़ा पहना था। अब जल्दी से उसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव और गर्लफ्रेंड आगा जाती है, तो अगला रूम में जाकर ये झट से उसे प्रपोज कर देता है। अब तो लड़की का गुस्सा भी शांत हो गया, वो तो खुश हो गई। तो डिटेक्टिव कहता है कि अरे बच्चा खुश ना हो, ये तेरे को धोखा दे रहा है, मैं अभी प्रूफ करके तुझे दिखाता हूँ। वो देखता है कि इसे प्रूफ मैं कैसे करूँ, तो देखता है कि पीछे एक विंडो है, वो खोल देता है और सभी गुब्बारा बाहर निकल जाता है और दिखता है फोटो में कि ये तो शादीशुदा है। अब तो लड़की बहुत गुस्सा में हो जाती है और जाकर बोलते हैं कि लड़की कहाँ छुपाया है, जल्दी दिखा। ये कहता है कौन सी लड़की, मैं कोई लड़की नहीं रखा हूँ। द डिटेक्टिव कहता है रुक बेटा, मैं अभी तेरे को प्रूफ करके दिखाता हूँ। वो अपने पास से एक माइक निकालता है और उसमें जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण वह बिल्ली जो इसके बेड के नीचे थी वो डर के मारे भागती है और कंबल के साथ भाग जाती है। और उसके बेड के ऊपर रखे कपड़े से तो पता चल ही जाता है कि इस घर में जरूर छोटा कहीं लड़की छिपाया ही है। तो वह बोलता है कि लड़की किधर है? ये कहता है कि कोई लड़की नहीं है, वो मेरी एक्स का ही कपड़ा है, वो चली गई है। पर डिटेक्टिव के ये कन्फर्म था कि इस घर में लड़की है, इसलिए वह एक उपाय सोचता है, चूहा छोड़ देता है। अलमारी में चूहा जाता है और लड़की डर के मारे चिल्लाने लगती है और केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। डिटेक्टिव को एक नया केस मिला है, अब पता करना है कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड किस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पर जाकर पता लगाता है कि ये तो किसी लड़की को किस कर रहा है। अब डिटेक्टिव को गुस्सा आता है, कहता है कि लड़की को फ़ोन करके बुला दूंगा। पर ये सोचता है कि ये तो बदल जाएगा, फिर लड़की को कैसे भी मना लेगा, इसलिए सोचता है कि इसका चलो मैं सबूत इकट्ठा कर लेता हूँ। इसलिए इस लड़की को वह फोटो खींच लेता है डिटेक्टिव। अब ये फोटो देखकर इसका तो हालत बिगड़ जाएगा और डिटेक्टिव इसका पीछा करने लगता है लड़की का, पर लड़की जाकर कहीं छिप जाती है। वह डॉल्फिन से उस लड़की के बारे में पूछता है, पर डॉल्फिन बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए डॉल्फिन को लालच देने के लिए डिटेक्टिव मछली देता है। और मछली पकड़ने जाते समय वह लड़की को पता चल जाता है, क्योंकि मछली के पीछे छिपी थी और लड़की यहाँ से भाग गई है। अब इस पानी को पार करने के लिए डिटेक्टिव सोचता है कि डॉल्फिन से थोड़ा मदद ले, इसलिए मछली उसको खाने को देता है, पर मछली खाकर डॉल्फिन भाग जाती है। तो फिर डिटेक्टिव सोचता है आखिर पार मैं कैसे रुकूँ, इसलिए एक बॉल लेता है और डॉल्फिन उसे पार करा देती है। और डिटेक्टिव उस लड़की के पीछा करने लगता है, तो अभी लड़की उसके ऊपर छोटी छोटी मछली फेंक देती है, तो वहाँ पर पेंगुइन इसका पीछा करने लगते हैं और इसे आगे नहीं जाने देते हैं। पर डिटेक्टिव सोचता है कि इसके तरह मुझे ताज पहनना पड़ेगा, तभी ये लोग जाने देंगे। पर उसके छोटे बच्चे तो जाने देते हैं, पर इसकी माँ नहीं जाने देती, क्योंकि यहाँ के ये रानी हैं। तभी सोचता है इसको मैं कैसे मनाऊँ, तो फिर सोचता है इसके दिमाग में आइडिया आता है, मैं यहाँ के सील मछली बन जाता हूँ, जिससे डर के मारे ये मेरे को जाने देगी। वह जल्दी से सील का मुकुट पहन लेता है और सभी ये पेंगुइन भाग जाते हैं। अब डिटेक्टिव उस लड़की के पीछा करना स्टार्ट करता है, पर देखता है एक झाड़िए के पीछे जाकर ये छिप गई है। तो जल्दी से क्लीनर मशीन को निकालता है और पूरा झाड़ियों को ये खींच लेता है, जिसके कारण पता चल जाता है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रोटेक्ट करने लगता है, पर डिटेक्टिव सोचता है अब मैं क्या करूं? कहता है कि ये तेरी गर्लफ्रेंड मछली नहीं है, ये लड़की है जो मछली के कपड़ा पहनी है, तो ये इसको विश्वास नहीं होता है। तो कहता है बेटा मैं अभी तेरे को प्रूफ करके दिखाता हूँ, और फिर से क्लीनर निकालता है और कपड़ा खींच लेता है। अब इसको तो प्रूफ हो गया था, अब गुस्सा आकर डिटेक्टिव को ये मारने जाता है। अब डिटेक्टिव को कहता है अब मैं क्या करूँ, अब जल्दी से इसके गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बुला लेता है। अब इसके गर्लफ्रेंड को देखकर इस लड़की की तो हालत बिगड़ने लगती है। अब लड़की इसके ऊपर पूरा चिल्लाती है, पर कहता है ये मेरे गर्लफ्रेंड नहीं है। अब कहता है अरे इतने सब हुआ है, ये बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, सोचता है फ़ोटो दिखाऊँ क्या? तो कहता है यार फोटो दिखाने के क्या फ़ायदा, ये देखो रिंग इसके गर्लफ्रेंड के हाथ में, इसे कन्फर्म होता है कि ये शादीशुदा है। और लड़की भी मान गई, अब इसे मारती है खींचकर।
और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कैसे वीडियो लगी जल्दी से कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।